भाजपा नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा नेता पर अज्ञात भीड़ ने बोला हमला। पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर गिराकर बेरहमी से की गई पिटाई। एक शादी से कार्यक्रम से घर वापस लौटते समय भीड़ ने भाजपा नेता की कार जबरदस्ती रुकवाकर बोला जानलेवा हमला। भाजपा किसान मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर पर भीड़ ने किया था हमला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भाजपा नेता को भीड़ से बचाया। पिटाई से घायल भाजपा नेता का पुलिस ने कराया चिकित्सीय परीक्षण। भाजपा नेता को चेहरे और शरीर पर लगी है गंभीर चोटें। मुरादाबाद की सदर कोतवाली इलाके के गंज बाजार में देर रात की घटना। शिव साहब, किसी भाजपा नेता की पिटाई के कुछ वीडियो वायरल है, आपके यहाँ संज्ञान है, क्या मामला? कल रात में दिनेश ठाकुर जो किसान मोर्चा के नेता हैं उनके साथ एक घटना हुई है जिसके संबंध में उनके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई थी। थाना कोतवाली पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। घटना स्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करके इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, दिनेश ठाकुर ने क्या बताया सर पुलिस को, क्या किस तरह का घटना क्या बताया सर? उनका घटनाक्रम यही था कि वो जा रहे थे, पीछे से कुछ लड़कों ने आके उनकी गाड़ी को आगे रोका है और उनके साथ जो है आपराधिक कृत्य किया। कुछ आरोप पहचान हो पाई सर कुछ अभी तक? कुछ नहीं, अभी तक किसी व्यक्तिगत नाम को नाम प्रकाश में नहीं आया। बहुत जल्दी पुलिस जो है इस संबंध में कार्रवाई करके परिणाम निकाल दी। दिनेश जी, कुछ वीडियो वायरल हैं आपकी, आपके साथ मारपीट की गई है, क्या मामला है? कल रात में ताजपुर माफी से डॉक्टर इब्राहिम के भाई की शादी से आ रहा था, मुगलपुरा होते मंडी चौक अमरोहा और चमकापुर से जैसे निकला कोतवाली के सामने से, तो मैं सीधा आराम से चलता हूँ क्योंकि मैं जो छोटी गाड़ी थी मेरे भतीजे की 0909 क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर गई थी, मैं उससे जैसी नयाम की प्याऊ से आगे बढ़ा तो मुझे सब्जी मंडी जो गंज की है वहाँ तीन मोटरसाइकिलों ने मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। तो एक बार को तो मुझे लगा कि ये शायद शूटर हैं मुझे मार देंगे, लेकिन हिम्मत बांध के मैं गाड़ी से निकला। मेरे साथी विशेष कुमार सिंह चौहान एडवोकेट ग्राम बनखरा के थे, मैंने चलो विशेष जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे हम उतरे उन्होंने हमको ललकारा, हमने उनको ललकारा और जो है बात आगे बढ़ गई। लेकिन मुझे जान से मारने की नीयत से ये मेरे ऊपर हमला किया गया था जिसमें 35-40 लोग साइड से कहीं छिपे थे, वो भी मेरे पर हमलावर हो गए। वहाँ पिकट से जो सिपाही थे दो वो आए, उन्होंने सेट में फ़ोन किया इस प्रकार सिपाही वगैरह आए, लेकिन वो सिपाहियों से बात नहीं आए और सिपाही उन्होंने उन पर डंडा चार्ज नहीं किया। इसी पीरियड में और सिपाही आ गए तो हुआ, और जब आखिर में कुछ लोग और आ गए जब उन मुस्लिम समुदाय पर डंडा शुरू हुआ तो वहाँ से छोड़ के भाग गए। और पता नहीं क्या कारण इसके पीछे कौन है क्या है, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ शहर में तो मेरी गाड़ी 35-40 ऊपर नहीं चलती है। अगर कोई कहता कि मैं गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था या कहीं टक्कर मारी थी तो रात भी गाड़ी मैंने SP सिटी CO को सब दिखा दिया, इंस्पेक्टर को, मैंने ये मेरी गाड़ी है कहीं इसमें खुरैच हो, अगर एक्सीडेंट होगा तो आगे से गाड़ी टच होगी, लेकिन किसी षड्यंत्र की तरह मेरी जान से मारने की नीयत से मुझ पर हमला किया गया था। ये समुदाय हैं जो मैं आने पर सबको पहचान लूँगा, एक को मैंने रात पहचान लिया फुटेज में, शेष फुटेज अभी CO साहब और इंस्पेक्टर साहब मुझसे कह रहे हैं दिखाएंगे आपको, मैं बताऊँगा, लेकिन मेरी जान को खतरा है इतना मैं कहना चाहता हूँ। क्या मानते हैं इसको, इस तरह का घटना हुई आपके साथ? बदनाम करना क्या, एक तरह से देखा जाए तो राजनीति भावना या कल आजम खान छूटे थे उसके तहत में लोग उत्साहित थे और हो सकता है कि उत्साहित में मुझे पहचानते हैं और उन्होंने मुझे हमला किया हो गया, भाजपा का मार दो। आपकी सरकार आपके ऊपर हमला हो रहा है? मेरी सरकार है, सरकार अभी जाँच कर रही है और जो होगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है, मुझे प्रशासन विश्वास है, सरकार विश्वास है और स्वयं पे इतना विश्वास है कि मैं कभी दाएं बाएं की बात नहीं करता हूं। मेरे जीवन में सार्वजनिक जीवन में कभी मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं और मैं वैसे भी बेबाक बोलने वाला हूं, सही को सही और गलत को गलत। मैंने रात SPC साहब एक अफवाह हो रहे कि आप शराब पिए हुए हैं, एक अफवाह है एक तरह की? मेरी राज डॉक्टरी हुई है, अगर मैं शराब पिए होता और पुलिस के साथ बैठा था तो पुलिस ही कहती शराब पिए हुए, अभी डॉक्टरी की शराब की भी करा लो, रात मेरी सारी डॉक्टरी हुई है तो उसमें अहल कुल आना चाहिए ना, अहल कुल आना चाहिए। दूसरी बात, मुझे कोई आदमी सार्वजनिक उस पर शराब पीता दिखा दे या मुझे दिखा दे कि ये आम लोगों में घूमता शराब पी के, तो हम राजनीति छोड़ देंगे।